नेशनल टी20 कप 2022 रावलपिंडी में होने वाला मरहला ख़त्म। पाकिस्तान नेशनल टी20 कप में एक टीम सेमीफाइनल में। नए कॉन्स्टेबल क्या हैं, किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किस बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं, किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनल टी20 कप का पहला मरहला रावलपिंडी में खेला जा चुका है, जिसमें 16 मैचेस खेले जा चुके हैं, जबकि अब दूसरे मरहले का आगाज मुल्तान में 10 सितंबर को होगा। अगर हम बात करें नए पॉइंट टेबल के बारे में तो खैबर पख्तूनख्वा की टीम 10 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि सिंध के 6, बलूचिस्तान के 6, जबकि साउथर्न पंजाब के 4, नॉर्दर्न के 4 और सेंट्रल पंजाब के 2 पॉइंट है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ियों के बारे में तो जैन अब्बास के 241, सैम अयूब के 237, तैयब ताहिर के 214, शरून सिराज के 171, शान मसूद के 170, सरफराज अहमद के 170, साहबजादा फरहान के 177, सुहेल तनवीर के 151, आमिर जमाल के 133, असद शफी के 117, फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास के 117 रन हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में तो सैम अयूब के 11, सुहेल तनवीर के 10, फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास के 9, शरून सिराज के 9 और जैन अब्बास की भी 9 छक्के हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के बारे में तो सोहेल खान की 10, आगा सलमान, मोहम्मद इमरान और समीन गुल की 9-9, जबकि अहमद दानियार और इमरान खान सीनियर की 8-8, यासिर शाह, मोहम्मद इलियास, आमिर जमाल और मीर हमजा की 7-7 विकेटें हैं।